दोस्तों आपके भी बैंक अकाउंट में अगर आधार कार्ड लिंक नहीं है तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक नया प्रोसेस चालू कर दिया न्यू वेबसाइट के थ्रू, जिसमें जो है आप घर बैठे ही अपना जो आधार कार्ड है वो बैंक से लिंक कर पाएंगे। और जो इसका प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है, इसका जो पूरा प्रोसेस है मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, वीडियो को स्किप मत करना, आइए शुरू करते हैं वीडियो। बैंक में आधार कार्ड लिंक करने के लिए सबसे पहले क्या है, आपको अपने मोबाइल लैपटॉप या पीसी में ये ब्राउजर कोई भी ओपन कर लेना है, गूगल क्रोम या फायरफॉक्स वगैरह, उसके अंदर सर्च करना है आपको NPCI, ठीक है, सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद जो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है नेशनल पेमेंट बैंक, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे ही ओपन होगा इस पेज को, जैसे ही ओपन हो जाएगा तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको सबसे पहले कंज्यूमर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंज्यूमर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते के साथ ही आपको दिख जाएगा भारत आधार सीडिंग इनेबल PASE, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक आपके पास नया इंटरफेस खुलेगा, आप सबसे पहले जो होगा इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो है आपका गेट आधार मैप्ड स्टेटस को आप चेक कर लेंगे। हम इस पर क्लिक करेंगे, जो सीजन एक्सपायर हो गया है अभी दोबारा रीलोड कर देंगे इसे। गेट आधार मैप जो स्टेटस है इस पे आप सबसे पहले अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे, फिर कैप्चा कोड जो आएगा वो डाल देंगे और उसके बाद अपना स्टेटस चेक कर लेंगे। ठीक है, आप यहां से स्टेटस चेक कर लेंगे, अगर स्टेटस में आपका बैंक शो कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो सबसे पहले आपको जा करके और जो आपका रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग आ रहा है इसको आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद सेशन एक्सपायर हो रहा, बार बार पेज नहीं चल पा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप आधार स्टेटस चेक करेंगे तो आपके जो मोबाइल पे आएगा वो OTP आ जाएगा, OTP डाल करके आप यहाँ सबमिट कर देंगे। हमने OTP को सबमिट किया है, सबमिट करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि जो मेरा स्टेटस है वो साफ साफ शो करने लग गया है कि जो मेरा मैपिंग स्टेटस है वो इनएक्टिव है। ठीक है, और जो मैंडेट है कस्टमर कंसल्टेंट फ्लैग बिहेवियर फ्लैग है जो भी यस है, और OD अवेलेबल लिमिट कुछ भी नहीं है, बैंक नेम है वो पेटीएम पेमेंट बैंक है, मेरा एक्चुअली पेटीएम पेमेंट बैंक में था तो वो बंद हुआ पेटीएम पेमेंट बैंक, तो ये भी बंद हो गया। तो अब जो क्या है मुझे और बैंकों के साथ अपना लिंक करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं अब क्लिक करूँगा रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग पे। ठीक है, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड नंबर डालूंगा, बैंक सेलेक्ट करूँगा, देखते हैं बैंक कौन कौन से, इसके अंदर लगभग सारे बैंक हैं, कुछ कुछ बैंक अभी ऐड नहीं किए हुए हैं, तो इसके अंदर मैं अपना बैंक सेलेक्ट कर लूंगा। कैनरा बैंक, मैं इसके अंदर बैंक सेलेक्ट कर लूंगा, फिर यहाँ पे अपना जो है अकाउंट नंबर डाल दूंगा और यहाँ पे सीडिंग वाले स्टेटस पे क्लिक कर लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्रेश सीडिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है आप इस पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे सेम अकाउंट नंबर आएगा शो करेगा आपका, और यहाँ पे दोनों पे टिक होकर के कैप्चा कोड डालोगे और प्रोसीड कर लोगे। ठीक है, इसमें कुछ बैंकिस के जो हैं वो आपका नहीं शो करेगा, उनका जो सीडिंग है उसका डायरेक्ट बैंक के पोर्टल से होता है, तो उसमें क्या कंडीशन में है आपको डायरेक्टली पेज खोलना है गूगल क्रोम वगैरह का किसी का भी, और आधार पंजाब नेशनल बैंक जैसे हम लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे खुलेगा और इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर OTP बेस्ड सीडिंग, तो इसी तरीके से जो और बैंक है आप सिंपल से है पहले लिखना आधार सीडिंग और फिर उस बैंक का नाम लिख दो, उसके बाद जो वेबसाइट खुलेगी इस तरीके की OTP आता है, OTP डाल करके जैसे सबमिट करोगे आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक हो जाएगा, बैंक अकाउंट में जो आपका आधार कार्ड है वो लिंक हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी आप हैं वो लिंक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।